उसमें क्या देखते थे कि वो एक कमरे में बंद हो करके दरवाजा बंद करके कुछ करते थे, तो उस दरवाजे के क्योंकि वो चाबी नहीं होता है गांव के दरवाजे में, बीच के उसमें मैंने उसमें जान के देखा वो बैठे हुए कुछ कर रहे थे, कभी हाथ इधर जा रहा पैर इधर जा रहा कभी इधर उधर कुछ बैठे बैठे कर रहे थे। एक दो दिन देखा फिर मुझे समझ आया कुछ बैठे हुए कर रहे हैं, जो बैठे हुए कर रहे थे आज वो जया के स्टूडेंट दिखाए कि वो बैठे हुए क्या कर रहे हैं। ऑफिसर्स की जो लड़कियां थी बड़े बड़ी उनके
और उसमें जाके वो ट्यूशन करके फिर वो उन्हीं से सिखाने लगे। बाद में वो दिल्ली आए, हरे कृष्ण बहरा जी गुरु थे, उनको एक असिस्टेंट चाहिए था उनका, नृत्य निकेतन गोल मार्केट के पास है, वहाँ पे वो सीख कर उन्होंने सिखाना शुरू किया। उनके मन के अंदर एक डेप्थ नहीं मिल रहा था, खाली खाली लग रहा था, कुछ ढूंढ रहे थे वो काफी दिनों से। जब वो कोणार्क मंदिर में पहुंचे, जो उसका नाट मंडप का जो पार्ट था, अगर आप लोग गए हो तो वहां पे कितने सारे डांस के मूर्तियां हैं, उस मूर्तियों को देख के उनको ऐसे इंस्पिरेशन मिला कि अरे मैं तो जो खोज रहा था ये तो यहाँ संख्या संख्या में इतने सारे, ये उस जमाने में डांस किया करती थी, तभी ये स्कल्पचर बने हुए थे, तभी उसको डिपिक्ट किया हुआ है था। और उन्होंने ये पाया कि वो जो मूर्तियां हैं वो उनके ग्राम जीवन की जो स्त्रियां हैं, खड़े होने का, बैठने का, डांस करने का, वो सोशल उसमें मिरर एक तरह से वो दिखता हुआ उनको मिला कि सेम है, जैसे जीवन है वो स्कल्पचर है। तो फिर उनके अगर जो इंस्पायर होके फिर दिल्ली आए, फिर रिसर्च करना शुरू कर दिया और ढूंढना शुरू किया कि ये तो स्टैटिक मूर्तियाँ हैं, ये चलेगी कैसे, उसको जीवन कैसे दिया जाएगा, ये तो एकदम खड़ी है और मूव कैसे करेंगे। तो उन्होंने उस पर डी कोड करा, उसको ढूंढा इसके मूवमेंट कैसे होंगे, ये लाइफ कैसे होंगे, चलेंगे कैसे, इसके अंदर भाव राग ताल वो सब तो जानते ही थे, वो सीखे हुए थे वहाँ जाए थे कर। फिर उसके बाद उन्होंने वो खोजा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे भंगिमाएं जो बॉडी का जो पोस्चर है वो कैसे वो बॉडी में उन्होंने उसको रूप दिया, उसको चलाया। तो मूर्तियाँ हैं, छह फंडामेंटल पोज पे बने हैं, छह तरीके का बॉडी का पोस्चर बनता है, वो एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में के अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ बॉडी का जो डिवीजन है, जो पट्टी है, सेंटर है नाभि, उसका सेंटर है, उसके नीचे अलग चलता है, इसके ऊपर अलग चलता है, यहाँ से नीचे तांडव है, स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर लस्य है, लय है, जीवन है, स्टैटिक है, ये काइनेटिक है, और स्कल्पचर में स्टैटिक है, खड़ी है, उसको कैसे उन्होंने मूव किया, इस तरह खड़े होकर शुरू करते हैं, सेंटर से शुरू करते हैं, वहां से आते नहीं है ज्यादातर, बैठते हुए कुछ स्टेप्स दिखाते हुए नहीं आते हैं, ज्यादातर एंटरटेनमेंट के उसको नहीं किया है, सोल एंटरटेनमेंट पे काम करते हैं, भगवान के लिए दिखाना है, भगवान के लिए करना है, ये इस पे काम करते हैं। कैसे, सबसे पहला जो फंडामेंटल भंगी है, हम खड़े हैं, ये समपन, सीधे खड़े होने में कितने पोस्चर आते हैं स्कल्पचर में, स्ट्रेट लाइन है। फिर दुभा, थोड़ा सा ये मूव किया है, दो बेंड में, यही सेंटर है, पट्टी सूत्र बोलते हैं इसको। फिर सॉरी समभंग, ये अभंग है, एक भाग ये चला गया, फिर दुभंग है, सिर और हिप हो गया। फिर वहीं से त्रिभंगी में चलते, ट्राइंगल बनता है सब जगह बॉडी का। फिर अति भंग है, या तो बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं या ऊपर की तरफ, तीन बेंड से ज्यादा, और चौक, स्क्वायर, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। जो गुरु जी का स्टाइल है, इसी पोजीशंस में एक ब्रह्मामंडल सर्कुलर, नीचे से लेके हम हमारा जो ऑरा, उस ऑरा के अंदर ही हमारे हाथ के मूवमेंट चलते हैं, वो सर्कुलर ब्रह्मांडल बोलते हैं। भरतनाट्यम का उसका आउटर है, जो आपको फोल देते हैं, जो आउटर लाइन, जो हाथ जहाँ पहुंचा पैरफिल है, और इसी का उसके थोड़ा नीचे, इसलिए ज्यादा मूवमेंट हमारे सर्कुलर चलते हैं, बॉडी मूवमेंट भी सर्कुलर चलते हैं, ब्रह्मांडल के अंदर ही होते हैं जो भी करते हैं। अभी मैं दिखाना चाहूंगी ये जितने पोजेस हैं फंडामेंटल पोज से, वो कैसे स्कल्पचर में चले गए।
शिल्प शास्त्र शिल्प प्रकाश में 16 नायिकाओं का वर्णन है। जैसे नाट्य शास्त्र में अष्ट नायिका है, भावों को लेके, लव को लेके, देवी प्रेमिकाओं के साथ। शिल्प शास्त्र में सोसाइटी में कितनी तरह की औरतें हैं, अलस कन्या भी उनको कहते हैं, वो स्कल्पचर में दिखाते हैं, मंदिरों में दिखाया जाता है अलग अलग ढंग से। स्पंदित दर्शन से शुरू होके छंदिता में जाएगा, तो वो आलस तो वही में हमारा शरीर, ठीक है। फिर तोरण, तोरण जब हाथ पे तोरण बन जाते हैं, जैसे प्रेम पे सब सजाते हैं घर को, ये भी तोरण। सेकंड सॉफ्ट है। इसमें मुद्राएं बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, भरतनाट्यम के तरह ज्यादा स्ट्रेच करके नहीं करते हैं। मातृमूर्ति, माँ के रूप में, माँ के रूप में माँ बच्चे को पकड़े हुए कई मूर्तियां आप लोगों ने देखा होगा। जामर पकड़ते हुए, जामर को भगवान को हलवा करते हैं, उस तरह का मूर्तियां बहुत सारे कुणार में इस तरह की मूर्तियां होगी, देखिएगा हाथ में पकड़े हुए। इसके फुटपाथ में बताओगे कैसे चलते हैं, ये तो अभी ठीक है। और जैसे ये बड़े हैं, नोट किया होगा आप लोगों ने, यहाँ कोणार्क मंदिर में बहुत ऊंचाई पे है, नीचे भी है नाट मंदिर के नीचे पार्ट में ये स्टैचू है। उन्होंने इसको जीवन वैसे ही पार तरह से दिया, ये चिप तो रही से दिस साइड मर्दला फ्लोर ऐसे सीखा होगा, दो मर्दला है, एक तो ऐसे बजाने का, एक साइड का पार्ट्स को मर्दला है, पांच मंदिर में ऐसे भी करते हैं। हाँ, आपका सही, यस। कोणार्क में से है, इधर बन गया। कोणार्क में ऐसे है, कोणार्क मंदिर में बहुत देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे पोज है बहुत सारे, पार्श्व मंदिर साइड ऐसे जब बजाते हैं वो ऐसे से बजते हैं, इसलिए मुद्रा है। तभी बजा के दिखाऊंगी कैसे बजते हैं। पोज स्टेप्स कैसे दिया, हमारे स्टाइल में सरना जी का स्टाइल में हाथों को वही प्रभामंडल में रखते हैं, सर्कुलर नेचुरल, बड़ा नहीं करेंगे भरतनाट्यम से, ऐसे नहीं करेंगे नेचुरल। आप अगर फ्लूट बजा रहे, बेड़ू बजा रहे, नेचुरल ऐसे ही होगा। और नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है, जितना शरीर के पास हाथ रहेगा भाव उतना कर सकते हो, हाथ के मन में डर ऊंचा रहेगा, दिखाने का रहेगा, आपके भाव कट रहे हैं अच्छे, जितना पास रहेगा नेचुरल रहेगा आप अंदर जा सकते हैं, अपने अंदर उसको फील कर सकते हैं। फीलिंग मेन है, गुरुजी ने इसको मेन दिया है कि भाव रहना चाहिए, हर पोजिशन का अलग अलग भाव पे है। माँ है तो मातृत्व भाव है, दाल है तो पकड़ रही है, सुख सारी करते श्रृंगार है, एक्सप्रेशन के साथ है, और सब हाथ के पोजिशन करम व्यास है अभिनय चंद्रिका में, उसमें 14 तरह के करम व्यास हाथ के बताए हैं, हाथ को कैसे रखना है शरीर के पास। ज्यादातर हम लोग डोला हस्त कम यूज करते हैं, लता हस्त ज्यादा करते हैं, कटी कमर के पास या डाल को कट रहे, इस तरह के हाथ कटे चिंदी को कहाँ है हाथ वो अपना नया क्रिएशन में डांस कॉम्पोजिशन बनाते गए और फिर मुझे सिखाते जाते थे। ये कहते थे मैं अपने बैंक में रख रहा हूँ, बैंक में जैसे आप पैसे रखते हैं, मैं बैंक में रख रहा हूँ,
और फिर नया डांस वो खुद प्रैक्टिस करते थे मुझे सिखाने के बाद, मेरे फोन में बैंक में रख दिया, फिर वो नए में शुरू हो जाते थे। संगीत नाटक अकादमी ने उनको अवार्ड के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिक के लिए अवार्ड के लिए चुना उनको देने के लिए। और रामटन यूनिवर्सिटी लंदन के रिसर्चर थी अलेक्जेंडर लोगों में, उन्होंने भी इस टाइप को स्टडी करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना था 2005 में बना था। 2007 में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए गुरु जी को अवार्ड मिला। वो अवार्ड के लिए कभी काम नहीं करते थे, कभी किससे काम बोलते थे, नमाज करके बोलते थे, मेरा अवार्ड तो भगवान है वो देंगे, मैं इन सबको क्या बोलूँ जाके कि मुझे अवार्ड चाहिए। तो अपने से ही सब लग के अपने उनके अंदर एंथुजियाज्म था, उत्साह था, और जो वो पाना चाह रहे थे अपने वो डांस को जो बनाते थे, जब डांस कंपोज कर लेते थे उसको वो भगवान को सरेंडर कर देते थे, बोलते थे ये मैंने बनाया है आपके लिए। थ्रू अपने मेडिटेशन, उसके अंदर मेडिटेशन फील करके उसको ऑफरिंग एज अ ऑफरिंग बना देते। मैं तंत्र के ऊपर बताती हूँ, उड़ीसा में बहुत ज्यादा भूत प्रेत पिशाच डाक्टर नेचर को नहीं, अगर रात को कोई बात कर रहा है बहुत बात करते हैं, इससे भी गांव चले जाओ इस पर बहुत बात करते हैं लोग, डरते भी हैं गांव के औरतों के, वो तो डाकू ही है हो जाती है रात को, वो भूत नहीं है। अभी भी बोलते हैं शहरों में भी चलता है तंत्र मंत्र यंत्र, शक्ति रूपा योगी ने एक डांस बनाया है हीरापुर मंदिर देख के, उससे इंस्पायर हो गए, भुवनेश्वर के पास है हीरापुर मंदिर। अब वो एक शिव तांडव भी बनाया है, उसके अंदर भी उन्होंने शमशान घाट का वर्णन किया है, और फिर एक शक्ति रूपा योगिनी करके पूरा योगिनी के पटास बनाया है 1981 में बनाया है। वही एक पहले गुरु थे जिन्होंने योगिनी के ऊपर सोचा और फिर डांस अपना कंपोज किया, उसका एक थोड़ा सा पार्ट मैं दिखाना चाहूंगी। उस योगिनी में जो मुंह और एक्सप्रेशन यूज करा गया भयंकर रूप दिखाने के लिए खाते हुए पिशाच की तरह, ये जो जो मुंह का एक्सप्रेशन है मंदिर की मूर्तियों में भी देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र में भी मुंह को कैसे कैसे यूज करना है, इमोशन भाव दिखाना, दांत को कैसे दिखाना, आंख को कैसे बड़ा करना, मुंह को कैसे खुलाना, नाट्य शास्त्र में भी उसका डिस्क्रिप्शन है। तो उसी मुख व्यंजना, तीन तरह का स्पेशल मुख व्यंजना है जिसमें उग्र विकट वेदा भूत वेद पिशाच के मुंह का एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं, वो इन तीन प्रकार के मुख का एक्सप्रेशन से दिखा जाता है। योगिनी के जो चरित्र है उसका कैरेक्टर है उसको कैसे उन्होंने अपने डांस में बनाया है वो मैं दिखाऊंगी। उग्र में क्या है, दांत का दिखाना, सिर्फ दांत दिखाना। विकट में जीव, जीव का दिखा दांत के साथ भयंकर रूप जब दिखाते हैं, और वेदान में खोलना मुंह खुला हुआ। जो प्रॉपर सीखा या कोई म्यूजिशियन आते थे
उससे वो दिखाते थे मैंने ये बनाया ठीक है क्या, बोलते नहीं गुरु जी सा गा मा ना जी, अच्छा मैं कर देता हूँ उसको, वो इस आरोह में ये होगा अवरोह में ये होगा, इस तरह का वो पूछते थे। बहुत ज्यादा नॉलेज लेना चाहते थे, हमेशा जानना चाहते थे। मिश्र तक सारे अरसा बना दिए, उस अरसा के अंदर अलग अलग ताल है वो सब बनाया। पहले उन्होंने सबसे पहला डांस कोणार्क कांति बनाया था, जो जया उसके बीच का जो पार्ट है जो सूर्य मंदिर पर आधारित है। जया बेटर समझाइए आप लोगों को कि क्या है कल्चर में, आप जय जी से शुरू। चाहे वो ललित लवन लता हो, गोविंद पे आधारित, चाहे वो केशी मधुमलारा हो, तो शरण गली हो हनुमान जी का, या फिर गुरु जी की अपनी कविता वेणु गाथा उस पर आधारित। अक्सर मुझे डांस करते करते कोयल मिलती है, मैं देखा जहां मैं जाती हूँ कोयल मिलती है, जहां जा रहे हैं सिर्फ कोयल सुनाई दे रही है। मुझे लगा कि मैं शायद कोयल तो थी हमेशा, पर मेरे हृदय में कोयल को सुनने की कैपेसिटी नहीं थी। वो मौका मुझे मिला बार बार हर अभिनय में कोयल को महसूस करती, कोयल में डूब के कि कोयल गा रही है, क्या है कोयल गा रही है, मुझे तो बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु का था एकदम एहसास होने लग रहा है, रस्ते पर चल रहे हो तो आपको गौरव भरा हुआ दिख रहा है, मैंगो ट्री वहां पूरा भरा हुआ, धीरे धीरे सारे ट्रीज में फूल खिलने को मुझे नजर आने लगे। और मैं किसी भी दिल्ली के रस्ते पर चलती हूँ तो मैं आपको मोस्ट पेड़ों के नाम वो कब फ्लावर करेंगे सब बता सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे गुरु जी के डांस ने पूरा नेचर के साथ जोड़ दिया, मुझे वो मौका मिला। मुझे अपने कामना में मैं मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने तीन तरह के डांसेस एक्सपीरियंस किए, उसमें एक होता है जो सारे बड़े सुंदर मूर्तियों पे आधारित जो हमारा बेस है, जैसे आसन पे बेस होता है, तो ये हमारी भंगिमाएं जो है आसन की तरह है, जो हमारी बॉडी की वृद्धि भी करती है और हमारे को उसमें उसमें जो बेसिक पॉस्चरल बेस है उसमें घुसाती है। तो शुरू में जब हम सिखाते हैं तो हम वो डांस सिखाते हैं, जैसे कोणार्क कांति है, कांबोज सिखाती है, तो ये डांसेस वो सब मूर्तियों पर आधार है। दूसरे डांसेस भी मूर्तियों पर आधार है, पर एक सेकेंड ग्रुप है जो बहुत डीपली जो गुरु जी का एक उद्देश्य था कि भक्ति भाव, ये सब भक्ति भाव के लिए है, ये आपको आपकी ऑफरिंग है, तो भक्ति भाव में डूबने के लिए कुछ ऐसे डांस है जो डायरेक्टली आपको एकदम अपलिफ्ट कर दे, जिसमें आप सीधा कूद करके आप ऑफरिंग दे देते हो अपनी, चाहे वो दशावतार है, चाहे वो शिव तांडव है, मैं हमने बना हनुमान चालीसा ब्यूटीफुल और शिव शक्ति, इन सब के अंदर मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने आप को एग्रेसिव डाइव करके ना स्विमिंग पूल में डाइव करके स्विमिंग पूल में ओशन में डाइव करके सीधा आप ऊपर चले, यू गॉन अप इनटू अनदर वर्ल्ड, तो वैसे फीलिंग आती है। और एक थर्ड ग्रुप है जिनका मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत समय लगा मुझे उसको समझने की यहाँ क्या होता है और जो अलग है बाकी दोनों ग्रुप से, और वो है गुरु जी के अभिनय, क्योंकि गुरु जी के इष्ट थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना करते हुए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये है इंटीमेट। इंटीमेट वर्ड क्योंकि मुझे हिंदी का इसका इसका कोई अनुवाद पता नहीं है मुझे, आंतरिक पर आंतरिक से ज्यादा इंटीमेट, जैसे ये वस्त्र होता है ना, यह हमारे लिए बड़ा इंटीमेट है या मुझे छू रहा है, उस तरह से ये सारे जो अभिनय गुरु जी ने बनाया था रचना, ये हमें इतनी इतनी गहराई से अपने अंदर इतनी चीजें महसूस करवाते हैं और साथ ही हमें अपने बाहर की दुनिया से भी इतनी इंटीमेटली जोड़ने का मौका देते हैं, और श्री कृष्ण के माध्यम से अपने उस प्रेम और भक्ति का एक सरेंडर का भी मौका देते हैं, लेकिन हमें लोक जीवन में जोड़ के रखते हैं। तो मेरे से जन्म के हुए शहर में बड़ा हुआ जो सिटी गर्ल है, मुझे भी मौका मिला कि मैं गायन कैसे चलाऊं, मैं खुद ही गायन बन जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मौका, मैं आप गायन की मट में मटका लेके कैसे चलूंगी जब पानी भरना है, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, मुझे पता नहीं मटका कैसे बैलेंस होगा,
कभी बैल बनना, कभी बंदर बनना, तो ये इतने से मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति के अंदर और हमारे लोक जीवन के अंदर जो नाम बता रही है लोक जीवन में मुझे बहुत नजदीकी से इतना कुछ महसूस करने को मिला जो हमारे जीवन में है कि लोक में है, लेकिन उसके साथ जो भाव जुड़ा हुआ है बॉबी में वो इतना इंटीमेट है और इतना डेलिकेट है, उसकी डेलिकेट लेयर्स जितना हम अभी करते हैं उतना और महसूस होती जाती है और फील होती जाती है, आपको कभी उससे कोई अंत ही नहीं। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, बच्चे होते तब समय हो जाता है डोंट बी टू इमोशनल, क्या बड़े भी हो रहे ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो इमोशनल होना जैसे क्राई हो रहा है, एंड फॉर अ वुमन हु इज सपोज्ड फुल ऑफ इमोशंस, व्हाट डू आई डू विद ऑल माय इमोशंस, तो गुरु जी ने मुझे इमोशनल सॉन्ग गाने को भी समझने का मौका दिया कि मेरे भाव सुंदर है, मेरे भाव में जो सौंदर्य है चाहे वो भयानक हो, विभत्स हो, अद्भुत हो, वो भी मेरे को महसूस करने को मिला। तो सौंदर्य किस तरह से होता है, गुरु जी ने एक वुमन के लिए कोई बहुत ब्यूटीफुल टूल बनाया उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, जो है आपके हृदय में सुख अवस्था में है और मॉडर्न लाइफ और पब्लिक स्कूलिंग सिटी लाइफ उसको दबा देती है, तो जब हम डांस करते हैं उसी के अंदर हमें मौका मिल रही है कि हम सारे भाव को बाहर निकाल और उसको जैसे हम एक एस्थेटिक इमोशन की तरह उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो सिर्फ लाइफ से नहीं कनेक्टेड होता, वो एक अलग लेवल पे कनेक्ट हो जाता है हमारे साथ, एक अलौकिक लेवल पे। और गुरु जी के डांसर ने जो कृष्ण भक्ति है गुरु जी वो मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत मूव करती है, क्योंकि कृष्ण शक्ति के अंदर मैंने सबसे ज्यादा गुरु जी के अभिनय में यही सीखा कि किस तरह हमारे अंदर उड़ीसी जो है वो हमारे अंदर लव एंड सरेंडर, ये दोनों इमोशंस को, ये दोनों एस्पेक्ट्स को कितना ब्यूटीफुली डेवलप करता है कि लव एंड सरेंडर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, वो चाहे किसी चीज के लिए हो, किसी पैशन के लिए हो, अपने बिलवट के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने इष्ट के लिए हो, तो ये कृष्ण भक्ति के जितने अभिनय थे इसमें उन्हें समझ में आया कि थोड़े इंटीमेटली बहुत करीब से फील होते थे कि लव एंड सरेंडर हमारा जो सौंदर्य है हमारी ये सब हमारी एक तरह का हमारे अर्पित करने का हमारे मौका मिलता है जिसमें हम लव एंड सरेंडर के अंदर ये सारी चीजों को पा सकते हैं, अपने अंदर की स्कल्पचर्स, अपने अंदर के भाव जो दबाए जाते हैं मॉडर्न लाइफ में, सब दबाए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने उनको अवार्ड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए अवार्ड के लिए चुना उनको देने के लिए, और डॉक्टर यूनिवर्सिटी लंदन के रिसर्चर थी अलेक्जेंडर लोफ्टन, उन्होंने भी इस टाइप को स्टडी करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था 2005 में, उनका चैनल में फिर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको अवार्ड मिला। वो अवार्ड के लिए कभी काम नहीं करते थे, कभी किससे हम बोलते थे नमाज, मेरा अवार्ड तो भगवान है,